Welcome to Smart School Kids Zone, your favorite school. Yes, welcome to Smart School Kids Zone, आपका प्यारा स्कूल. And today's topic is वृक्ष बढ़ाओ. हिंदी बाल भारती पहली कक्षा का या दूसरी का पहला लेसन है वृक्ष बढ़ाओ, मतलब हमें पेड़ बढ़ाने हैं. तो देखते हैं इस पेड़ के लिए और पेड़ लगाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है और बच्चे लोगों को कितना पसंद आता है ना. तो चलो देखते हैं हमारे इस वृक्ष पढ़ाओ वाले लेसन को. उससे पहले अब हमारी ई लर्निंग वेबसाइट smartschool.infolips.com, स्पोर्ट्स साइट fallinsports.com, मराठी विषय सर्व काही मराठी रंग.com, एंड्रॉइड एजुकेशनल गेम एंड क्राफ्ट चैनल, इनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर जाके चेक करना. यह है वो लेसन, चित्र वाचन. देखो, समझो और बताओ, मतलब हमें देखना है, समझना और बताना है. हम आपल्याला बघायचं आहे, समजून घ्यायचं आहे आणि सांगायचं आहे. धड्याचं नाव आहे वृक्ष बढ़ाओ. चित्र वाचन मतलब क्या, चित्र के ऊपर से लेके अंत तक जितने भी चीजें हमें दिखाई दे रही है उनको यहाँ पे बताना है. तो चलो हम ऊपर से शुरुआत करते हैं. यहाँ पे बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं और पेड़ों के ऊपर बहुत सारे फल लदे हुए हैं, है ना, दिखाई दे रहे हैं. कुछ पंछी है, जैसे ये चिड़िया है, वो पेड़ों के पास से उड़ रही है. नीचे देखो, यहाँ पे हमें पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, बच्चों को यहाँ पे उनके टीचर, जो उनकी अध्यापिका है, वो यहाँ पे लेके आई है. वन जैसा थोड़ा सा भाग है और वहाँ पे उन बच्चों के हाथ में हमें पौधे दिखाई दे रहे हैं. ये देखो, यहाँ पे बच्चा है, उसके हाथ में भी पौधा है. ये छोटी बच्ची है, उसके हाथ में भी पौधा है. और यह एक बच्चा है जो पौधा लगा चुका है, मिट्टी उसके ऊपर डाल रहा है. ये दोनों बच्चे दूसरी तरफ वो पौधा लगाने के लिए जा रहे हैं, यह वाला बच्चा और यह एक लड़की. यह उनकी टीचर है जो उनको किस तरह से पौधे लगाते हैं वो बताती है. यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया मैसेज दिया है हमारे लिए, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ. मतलब अगर हम पेड़ लगाएंगे, पेड़ बढ़ाएंगे, तो ये हमारा जीवन बचने वाला है. और उसी बोर्ड के ऊपर एक छोटी सी चिड़िया बैठी हुई भी दिखाई देगी. और क्या नीचे दिखाया, देखो, और दो बच्चे हैं, एक बच्चा है वो हाथ में कुदाल लेके उस पौधा लगाने के लिए यहाँ पे गड्ढा खोद रहा है. और दूसरी बच्ची है वो यहाँ पे पानी लेके आई है और जो जो पौधे लगाए हैं उनके ऊपर वो पानी देने वाले हैं. ठीक है, बहुत सारे पौधे यहाँ पे लगाए हुए हैं बच्चों ने. ये देखो, ये वाला भी उन्होंने ही लगाया है, यहाँ पे भी एक दिखाई दे रहा है. तो आज बच्चों को यह अच्छा मौका मिल रहा है उनके स्कूल की तरफ से कि पौधे लगाने के लिए उनका योगदान हो रहा है ना. तो यहाँ ये जो मैसेज हम पढ़ते हैं, धरती माँ की सुनो पुकार, बच्चे कम हो वृक्ष हजार. तो ये धरती माँ की पुकार है, हमें पुकार पुकार के ये धरती माँ कह रही है, बच्चे कम हो तो भी चलेगा लेकिन वृक्ष हजार होने चाहिए, है ना. धरती माँ म्हणजेच आपली पृथ्वी, पृथ्वीनं आपल्याला एक पुकार केलेली आहे, तिने आपल्याकडे एक धावा केलेला आहे, बच्चे कम हो वृक्ष हजार. मुलं कमी असली तरी चालतील पण झाड हजार असायला पाहिजेत. चलो देखते है नेक्स्ट वन. यहाँ पे दूसरी इकाई है बाल गीत है, सुनो गाओ और बताओ. तो अभी हमें क्या करना है, सुनना है, गाना है और फिर उसके बारे में बताना है. देखते है यह प्रयाग शुक्ल की छोटी सी कविता, पौधे चार लगाए पानी उन्हें पिलाए, उन पर चिड़िया आए बैठी बैठी गाए, पौधे चार लगाए फूलों से भर जाए, तितली उन पर आए उड़े और मंडराए, पौधे चार लगाए खुशबू से भर जाए, झूम झूम लहराए मन में सब हर्षाए. तो छोटे बच्चों के लिए यह छोटी कविता है, बहुत ही गहरा अर्थ उसमें छुपा हुआ है. जैसे यहाँ पे पौधे चार लगाए, मतलब हमें कम से कम चार पौधे तो लगाने हैं, उन्हें पानी देना है और वो जब बढ़ेंगे तो उनके ऊपर चिड़िया आएंगी और बैठकर कोई अच्छा सा गीत गाएगी. फिर से यहाँ पे दिया है, पौधे चार लगाए फिर उन पौधों के ऊपर फूल आएंगे तो उनके ऊपर तितलियाँ आएंगे और तितलियाँ उन फूलों के ऊपर मंडराती रहेंगी, उड़ती रहेंगी. फिर से कहाँ है, पौधे कम से कम चार पौधे तो लगाओ, खुशबू से भर जाए. अगर पौधे लगाएंगे तो हम उनके ऊपर के फूल आएंगे तो वो फूलों की खुशबू से सब उधर का परिसर खुशबूमय हो जाएगा. झूम झूम लहराए और वो पेड़ या पौधे झूम झूम के लहराने लगेंगे, मन में सब हर्ष आए और उनको देख के हम बहुत आनंदित हो जाएंगे, उल्लासित हो जाएंगे, है ना. अच्छी कविता. चलो एक बार थोड़े से रिदम में बोलते हैं,
पौधे चार लगाए, पानी उन्हें पिलाए, उन पर चिड़िया आए, बैठी बैठी गाए। पौधे चार लगाए, फूलों से भर जाए, तितली उन पर आए, उड़े और मंडराए। पौधे चार लगाए, खुशबू से भर जाए, झूम झूम लहराए, मन में सब हर्ष आए। अरे झूम झूम लहराए, मन में सब हर्ष आए। ठीक है, अच्छी थी ये पोएम। यहाँ पे फिर इस चित्र में भी हमें चिड़िया है, पंछी दिखाई दे रहे हैं, तितली दिखाई दे रहे हैं, बच्चे हैं और खूब मस्त होके वो गाना गा रहे हैं, पौधों को पानी दे रहे हैं। ठीक है, तो चलो इन दोनों के ऊपर हमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, हम वो देखते हैं। और ये है हमारे क्वेश्चंस। पहला हमें दिया है शब्दार्थ मीनिंग, और ये है शब्द वृक्ष। वृक्ष मतलब यहाँ पे दिया वृक्ष ट्री, पौधे प्लांट्स, चार फोर पानी मीन्स वाटर, चिड़िया बर्ड्स, देन फूल फ्लावर, तितली बटरफ्लाई उड़ना फ्लाई, धरती अर्थ, कम लेस माँ माँ मदर, जीवन लाइफ। तो यह कुछ प्रश्न शब्दार्थ थे जो हमारे इस पोएम में आए थे। इसके ऊपर और कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। यहाँ पे पहला प्रश्न है, क्या आपने कभी पौधा लगाया है? यस, जरूर लगाया है, बहुत सारे लगाए हैं। दूसरा प्रश्न है, कौन कौन से पौधे आपने देखे? तो बहुत सारे देखे, उसमें से आम है, बरगद है, नीम है, अमरुद है, और फूलों के भी पौधे रहते हैं जैसे गुलाब, जासमीन, जाई, जुई, है ना। तो बहुत सारे पौधे हमने देखे हुए हैं। तीसरा प्रश्न है, आपने पौधा लगाने के लिए क्या क्या किया है? तो हमने सबसे पहले तो पौधे लाए थे, उसके बाद गड्ढे किए, उन गड्ढों में पौधे लगाए, फिर उन्हें पानी भी दिया। तो यह काम हमने पौधे लगाने के लिए किया। प्रश्न चौथा है, मिट्टी किस रंग की होती है? तो वैसे तो बहुत अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है, लेकिन खास करके हमारे लिए लाल होती है, लाल सर मतलब थोड़ी सी लाल और थोड़ी सी येलोइश होती है, वो काली पीली, तो ऐसे बहुत रंग की मिट्टी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा। सही उत्तर पर यह इस तरह से चौकोन बनाना है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पौधे चार एक दो लगाए, तो क्या कितने पौधे लगाने हैं? उन्होंने कहा है कम से कम चार लगाओ। दूध चाय पानी उन्हें पिलाए, तो हमें उन्हें क्या पिलाना चाहिए? पौधों को तो दूध चाय की जरूरत नहीं है, पानी पिलाना है। उन पर गाय बकरी चिड़िया आए, तो क्या गाय बकरी थोड़ी उनके ऊपर चढ़ेगी, ये तो चिड़िया आएगी। बैठी बैठी नाचे गाय हंसे, तो बैठी बैठी गाय, करेक्ट। फिर हार फूलों गमलों से भर जाए, तो ये क्या होना चाहिए? फूलों से भर जाए क्या पौधे? खुशबू आवाज लोटा से भर जाए, तो पौधों से खुशबू भर जाती है। आगे क्या दिया है, शहर गांव मन सब हर्षाए, तो यहाँ पे पौधों को देख के मन हर्षाता है। झूम झूम खेले नाचे लहराए, तो झूम झूम के नाचे, करेक्ट। ओके, तो यह प्रश्न भी हो गया। जिन प्रश्नों का सही ऑप्शन था उनके ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिया है। प्रश्न क्रमांक तीसरा दिया गया है, पर्याय में से सही को टिक या गलत को क्रॉस, फूली का निशान लगाओ। तो अभी देखते हैं प्रश्न, पौधे कितने लगाने हैं? तो पौधे हमने कितने लगाने हैं देखा था ना, पौधे कितने लगाने हैं? चार। तो यहाँ पे चार के लिए और बाकी के लिए यह फूली रहेगी। पौधों पर क्या आए? चिड़िया आए, मोर आए, गाय आए, तो यहाँ पे चिड़िया या तितली, लेकिन यहाँ पे एक ही चिड़िया है, मोर तो बिल्कुल नहीं बोला है इस पोएम में, और गाय भी नहीं बोला है। तो तीसरा प्रश्न है, पौधा किससे भर जाए? घास से, फूलों से या गाँव से? तो ऑफकोर्स फूलों से ही भरना चाहिए, घास से भर के थोड़ी अच्छा दिखेगा। ओके, प्रश्न क्रमांक है चार, मन से सब क्या करें? तो मन से मुस्कराए, हर्षाए या नाचे, तो ये क्या होना चाहिए? हर्षाए, और ये क्रॉस। फिर पौधे को क्या पिलाए? पौधे को चाय पिलाना है, पानी पिलाना है या कॉफी पिलानी है? तो यहाँ पे हमें पौधों को पानी पिलाना है। ठीक है, और इन बचे हुए दोनों को इस तरह से गलत निशान लगाते हैं। ओके, तो ये वाला प्रश्न भी हो गया। देखते हैं प्रश्न क्रमांक चार,
यस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखे हैं और यह है वह शब्द। बताओ बच्चे क्या लगा रहे हैं? तो क्या लगा रहे हैं बच्चे? पौधा। करेक्ट, तो बच्चे पौधा लगा रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, पत्ते का रंग कैसा होता है? तो पत्ते का रंग कैसा होता है, हमें पता है, हरा। ओके, उसके बाद पेड़ लगाओ जीवन बचाओ बोर्ड के ऊपर कौन बैठी थी? तो हमने देखा था ना, वह कौन थी? छोटी सी चिड़िया थी। करेक्ट। ओके, तो ये प्रश्न भी हो गया। प्रश्न क्रमांक 5, उचित शब्द बनाओ। तो हमें शब्द बनाने हैं और यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, जैसे मक। मक से क्या बनता है? कम। ओके, मक से कम बनता है। तो यहाँ पे रभ दिया है, रभ से क्या बनेगा? भर। तीसरा दिया है र जा ह, उससे क्या हो सकता है? हजार। मजू, मजू से क्या हो सकता है? झूम। फिर यहाँ पे रकापू, मतलब क्या हो सकता है? पुकार। रथ, ये तो सही है। फिर रचा, मतलब चार। ओके, यहाँ पे क्षवरु, तो ये हो सकता है वृक्ष। नवा है नभ, नभ के लिए तो नभ ही होगा, नभ मतलब ढग। और आखिरी वाला है धे पौ, तो ये क्या हो सकता है? पौधे। ओके, तो हमने उचित शब्द बना लिया है दिए हुए अक्षरों से। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, बहुत सारे क्वेश्चन है आपके लिए, इसमें पहचानो और बोलो और लिखो। तो ये क्या है हमारे पास, हमें पता होना चाहिए ये कौन सा चित्र है। ये है गमले का चित्र। करेक्ट, तो इसमें हम पौधा लगाते हैं। दूसरा क्या है, ये एक्चुअली ये फावड़ा है, लेकिन यहाँ पे उसके ऑप्शन दाल दिए है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कुदाल। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्या है? पेड़ है। उसके बाद ये है चिड़िया। ओके, तो ये वाला प्रश्न भी हो गया। अभी यहाँ पे प्रश्न क्रमांक है 7। तो यहाँ पे एक ऑलरेडी उन्होंने जैसे दिया है, देखो ये है म, उसके बाद है बीच में है हा, और ये बन गया न। तो यहाँ पे हो जाएगा म हा न। ओके, तो फिर दूसरा देखो यहाँ पे क्या है, ज हा, तो सेम ही है, और यहाँ पे ज, तो यहाँ पे फिर से क्या आएगा? ज हा ज। फिर है क हा नी, तो कहानी क्या हो जाएगी? यह वाली कहानी। न हा ना, तो यहाँ पे हमें लिखना है नास। न ऑलरेडी दिया है, तो नहा ना। ओके, तो जो सार्थक शब्द है हमने वो बनाए। सार्थक मतलब योग्य, जो उसके लिए योग्य है उसे कहते हैं सार्थक। तो प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं। यहाँ पे फिर से चित्र है और उनके हमें नाम बताने हैं। तो पहला चित्र हमें पता है, ये है आम। दूसरा है पेड़। तीसरा है पत्ता। ये है गमला। फिर है चिड़िया, फूल। ये है कौवा, और ये है बच्चा। ओके, तो आसान था, चित्र हमें पता है और उनके किस तरह से नाम लिखते हैं अभी हमने ये भी देखा। चलो देखते हैं आखिरी क्वेश्चन। ये क्या है? ओ, ये तो आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी दी है। प्रश्न क्रमांक 9, विविध प्रकार के वृक्ष की पत्तियों को सुखा कर चार्ट पेपर पर चिपकाए और उसका नाम लिखे। तो आपको अलग अलग पेड़ों के, अलग अलग आकार के, अलग अलग प्रकार के कुछ पत्ते इकट्ठा करने हैं, उनको सुखाना है, और फिर सुखाने के बाद वो चार्ट पेपर पर लगा के वो पत्ता कौन से पेड़ का है, किस पौधे का है या किस पेड़ का है, वो उसके नीचे लिखना है। ओके, तो मजेदार है ना ये एक्टिविटी, करके जरूर देखनी चाहिए। इससे हमें एक हॉबी मिलेगी, कुछ इकट्ठा करने की, कुछ कलेक्शंस करने की। जब हम छोटे छोटे रहते हैं तभी यह हॉबीज रखने का, जब हम बड़े होते हैं तो हमें वो एक अच्छा सा सुकून सा कुछ पल देते हैं, जिनसे हमें लगता है या हमने बचपन में कुछ तो किया है ना। तो जरूर करके देखना। बस यहीं पे खत्म होता है आज का हमारा ये लेसन। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करके रखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हंसो, खेलो और मजे से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ। बाय।